सीढ़िया तो शायद आगे से आएगी, है छोटी छोटी सीढ़ी। ये है गाइस हमारा कटरा शहर। गाइस गुड मॉर्निंग, ये अगला दिन माता वैष्णो के दरबार में और हमें माता वैष्णो रानी के दरबार में, और आपको पहाड़ दिखाता हूँ। गाइस देखो पहाड़, ऐसा लग रहा है जैसे शेषनाग गए। ये गाइस हेलीपैड सेवा है, ये अभी जस्ट हेलीकॉप्टर आया, उसकी आवाज़ तो आप लोगों को आ रही होगी, और ये उड़ गया। भैरव बाबा के और सुबह 7 बजे हम लोग चढ़ना शुरू कर रहे थे, और बहुत पतला और सकरा रास्ता है और बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, और हमने ये ट्रॉली करी है इशू के लिए, बब्बू के लिए, और ये हमारा गुच्चू के लिए। तो गाइस माता वैष्णो के दर्शन करके चाय पानी पी के हम लोग आगे भैरव बाबा के दर्शन करने, और ये है भैरव मंदिर, और बढ़िया अच्छे से दर्शन हुए, कोई जल्दीबाजी नहीं थी, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। और आपको दिखाता हूँ, ये है व्यू पॉइंट, आने के बाद कुछ अलग ही फीलिंग आएगी। देखो आप, ये सूर्य देवता भी निकल रहे हैं, और ये देखिए आप, जबरदस्त माहौल है पहाड़ों पे, और यहाँ पे लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं, जबरदस्त सेल्फी पॉइंट है ये। और नीचे का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, सामने हेलीपैड है और ये पूरा नीचे का व्यू है, देखिए। और ये यहाँ से माता वैष्णो देवी भवन के पूरे दर्शन हो रहे हैं आप लोगों को, देखिए जबरदस्त। LED पे माता वैष्णो की आरती के दर्शन होते हैं, और यहीं से अब हम लोग नीचे उतरेंगे अर्धकुमारी के लिए। अब हम वैष्णो भवन ना चल के और सीधा सांझी छत से नीचे अर्धकुमारी चलेंगे। ये है बर्फ के पहाड़, शानदार। वेलकम गाइस, और गाइस सबसे बैड न्यूज ये है कि जैसे ही कल हम लोग वैष्णो देवी मंदिर में आए और मेरा फोन हो गया स्विच ऑफ, और मैंने दूसरे फ़ोन से थोड़े से वीडियो बनाए थे वो भी स्विच ऑफ, ठंड इतनी ज़्यादा थी यहाँ पर कि हमारे मोबाइल जो चल रहे थे वो स्विच ऑफ हो रहे थे, और 3 मोबाइल से मैंने वीडियो शूट कराए। तो पता है आप लोगों को सबसे मेन चीज़ क्या है, जो हम लोग वैष्णो देवी गए और वहाँ से भैरव बाबा गए, और बीच में जो एंटरटेनमेंट की जगह थी वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि बीच में कहीं भी सबसे बड़ी हमारे साथ ट्रेजडी ये हुई के मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, जो हुआ चार्जर हम सारे के सारे होटल में ही भूल गए, एक भी हमारे पास चार्जिंग पॉइंट नहीं था और ना चार्जर था जिससे हम चार्ज कर सकते थे। होटल वालों से मैंने एक दो से रिक्वेस्ट करी लेकिन उन लोगों ने नहीं। अर्धकुमारी मंदिर ये देखिए आप, और ये है भीड़ जो यहाँ पर गर्भजून गुफा है जहाँ पर माता वैष्णो देवी 9 महीने रही थी, तो यहाँ पर उस गर्भजून गुफा के दर्शन होते हैं, और उसके लिए यहाँ पर पर्ची कटती है, और पर्ची में जितने मेंबर आप लोग लिखाओगे उतने ही मेंबर को अंदर एंट्री मिलती है। एक पर्ची पे आप कितने भी लोग जा सकते हैं और पर्ची निशुल्क है। तो ये जितने भी लोग बैठे हैं सब गर्भजून गुफा में दर्शन करने के लिए बैठे हैं, और हम वहाँ थे टॉप पॉइंट पे, आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये जो टॉप पॉइंट है यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है, और ये पहाड़ काफ़ी ऊँचा है गाइस, काफ़ी। ये देखिए आप व्यू, देखिए आप क्या ज़बरदस्त व्यू है। तो फिलहाल थोड़े थोड़ा वीडियो शूट करूंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से किसी भाई से रिक्वेस्ट करके मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया है। तो ये है गाइस हमारा कटरा शहर, ये पहाड़ी पहाड़। ये देखिए आप, बहुत ही शानदार कटरा शहर। लोग दर्शन करने गए तो अंदर 2 से 3 घंटे लग गए, क्योंकि वहाँ पर क्या है, गुफा है बहुत सकड़ी, उसमें एक एक बंदे को ही घुसने देते हैं अंदर, तो एक एक करके, और एक बार में कम से कम 200 से 250 बंदे अंदर जाते हैं। चल रहे हैं नीचे के
तरफ, शहर की तरफ, कटरा शहर की तरफ, और वहीं अच्छा सा होटल लेंगे। हालांकि हमारा सामान होटल में ही रखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छा सा होटल लेंगे, चेंज करेंगे उसको और वहीं पर सोएंगे आज रात अच्छे से, क्योंकि कल रात भी बहुत सर्दी थी और नींद नहीं निकल पाई। 1:30 बजे तक दर्शन वर्शन करके माता रानी के और वहाँ से निकले। उसके बाद हम लोग, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वैष्णो देवी आए तो भले धीरे चढ़े, घोड़ा खच्चर कुछ भी कर लें, लेकिन आप सर्दी में आए या कभी भी आए, अपना अपने साथ पहनने के लिए जरूर लेकर आए गर्म चीज़ें, और बिछाने का जरूर लेकर आए, क्योंकि ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की तरफ से कंबल अवेलेबल होते हैं, निःशुल्क हैं, ऐसे जमा करवाते हैं लेकिन बाद में रिटर्न कर देते हैं। रूम वगैरह बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते और हम लोगों को बाहर हॉल में ही सोना पड़ता है। चाहे आप कितने भी VIP हो, आपको हॉल में ही सोना पड़ेगा, और अगर आप ज़्यादा VIP हैं तो ट्रस्ट की तरफ से आपको रूम अवेलेबल हो सकता है, उसका मुझे नहीं पता। बाकी मज़ा बहुत आया, मैं कल वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मोबाइल कल शाम को स्विच ऑफ हुआ था, फिर आज दिन में जाके चालू हुआ, तो मैं वापस वीडियो शूट कर रहा हूँ। नज़ारा है, हम इतनी ऊंचाई पे हैं गाइस कि यहाँ से बिल्कुल शहर ऐसा लग रहा है, एक नंबर। वेलकम गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ब्लॉग कोटा सूरी ब्लॉग में, और मैं आपका भाई सूरी। और हुआ यूं गाइस कि ब्लॉग अब मैं शुरू कर रहा हूँ सीधा ट्रेवलिंग से, क्योंकि कल रात हम माता वैष्णो के दर्शन करके जब नीचे उतरे ना, तो हम हो गए लेट। रात को 1 बजे हम लोग नीचे उतरे, और उतरने के बाद में जिस होटल में हम रुके हुए थे उससे हम चेकआउट कर गए थे, क्योंकि ऊपर जाने के बाद आपको पता नहीं होता कि आप एक दिन में नीचे उतर सकते हो या 2 दिन में। तो वैसे हमें 2 दिन हो ही चुके थे पूरे, तो इस वजह से हम लोग वापस आए रात को 2 बजे, तो सारे रूम फुल थे। फिर रात को 2 बजे हमने होटल ढूंढा, बड़ी मुश्किल से होटल मिला, उसके बाद हम लोग सो गए क्योंकि लेट बहुत हो गए थे। सुबह जल्दी जल्दी उठे और क्योंकि थकान बहुत हो रही थी 2 दिन की, इस वजह से जल्दी जल्दी उठे सुबह, और 10-11 बजे हम लोग निमटे। निमटने के बाद हम आए और अब हम लोग जा रहे हैं शिवकोड़ी। शिवकोड़ी भगवान शिव का एक बहुत ही पवित्र स्थान है, जो कि जम्मू कश्मीर रीजन में आता है और कटरा से 85 किलोमीटर पड़ता है। तो जल्दी जल्दी में फटाफट से निकले, अभी तक नाश्ता चाय पानी कुछ नहीं किया, और अभी बच चुके हैं पूरे 1:30, और वहाँ यहाँ से 85 किलोमीटर है, तो यहाँ से 3 घंटे जाने में भी लगेंगे, 2 से 3 घंटे। हेलो करो गाइस, भैया की इनोवा है, बहुत ही अच्छे दाम पे है भैया की, और इनके साथ में टूर कर रहे हैं हम लोग, तो शिवकोटी का आपको भी दर्शन करवाता हूँ आज मैं। गाइस ये है चिनाब रिवर, जो अपने भारत से बहकर पाकिस्तान जाती है, और यहाँ देखो राफ्टिंग के दीवाने एडवेंचर का मज़ा ले रहे हैं, और पानी की जो स्पीड है गाइस ज़बरदस्त है यहाँ पर, देखिए आप। तो गाइस ऐसा कुछ नज़ारा है जम्मू एंड कश्मीर का, और ये पीछे है चिनाब रिवर, ये चिनाब नदी है, और हम लोग रुके हैं अभी ढाबे पे क्योंकि रात भर से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। 2 बजे हम लोग होटल आए थे, उसके बाद से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक ढाबा आया है, देखिए तो खाना वाना खा लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लिया है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे थोड़ी मैगी दाल चावल खाए, हल्का फुल्का भोजन कराए हम लोगों ने, हो गया चलो, और अब निकलते हैं शिवकोड़ी के लिए क्योंकि टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। हालाँकि 85 किलोमीटर कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, लैंडस्लाइड जोन है पूरा, तो रोड थोड़े ख़राब हो रहे, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है इस वजह से, तो थोड़ा उस वजह से टाइम लग रहा है, तो जल्दी निकलते हैं।
कौड़ी और यह है शिव कौड़ी भगवान भोलेनाथ का तीर्थ स्थान। और इधर पहाड़ के पीछे कई मंदिर है और ऊपर चढ़ना पड़ेगा लगभग 4 किलोमीटर। और ये अपनी कार है जिससे अपन लोग आए हैं, तो कार तो भी यहीं खड़ी रहेगी, भैया इंतजार करेंगे। 3 से 4 घंटे में चढ़ के वापस आना है। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप देखो पहाड़ों के बीच में एक गांव बसा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे होटल वगैरह की सारी तैयार हो गई। तू चलेंगे ना ऊपर भगवान के दर्शन करने? ये देखिए हम सब तैयार हैं, हमारे छोटे छोटे गोलू मोलू सब तैयार हैं, हम लोग चल रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो गाइस हमने चढ़ने के लिए कर लिए घोड़े और गाइस फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं घोड़े पे और घोड़ा कर लिया हमने। और बढ़िया रीजनेबल रेट है यहाँ पर, शानदार। एक बंदे का 500 रुपए रेट है, जिसमें लेके भी जा रहे हैं और वापस भी ला रहे हैं, दर्शन भी करवा रहे हैं। लेडीज बच्चा और सामने की दी यार, नहीं यार यार भैया पहले बात कर। भाई यहाँ पे बहुत पंगा हो रहा है घोड़े वाले बिठाने के बाद में, अब रेटे चेंज कर रहे हैं, बताओ। ऐसे रेटे चेंज थोड़ी ना होते, उतार दो आप। ले उतरो उतरो यार, छोड़ो हटा, ले पकड़ इसको पकड़। भाई साहब यहाँ पे घोड़े वाले क्या है, पहले तो कम रेट में बिठा रहे, उसके बाद में फिर बैठने के बाद बोल रहे कि इस बच्चे का अलग लगेगा, उस बच्चे का अलग लगेगा। तो कभी भी आप लोग आओ तो पहले फाइनल कर लो, यहाँ पे चीटिंग करते हैं ये घोड़े। दूसरी जगह हम लोगों की बात हुई है, तो 5 घोड़े हम लोगों ने किए हैं अभी दोबारा से, और अब बैठ रहे हैं वापस से। ये वैष्णो देवी की तरह थोड़ी है, ये चढ़ाई नहीं है ना, बस ऐसा सिंपल रास्ता है, ज़्यादा चढ़ाई वाला रास्ता नहीं है वैष्णो देवी की तरह। और ये है शिव गंगा नदी, ऊपर से आ रही है ये पहाड़। हेलो, क्या चाल है इधर? देखिए पीछे तो देखो, पीछे तो यार आगे तो मेरी घोड़ी थी, आगे कैसे जाऊँ? ये लेके चलेंगे तभी तो। ओए ओए तभी पे ना, यहाँ तो घोड़ा घोड़े भी देखने को देगा। ओए ओए अबे ये क्या चला आ रहा। आज मेरी वो जो घोड़ी थी उसका हस्बैंड काजल नहीं आया है, तो बहुत धीरे धीरे चल रही थी।
और ये है गाइस शिव कोड़ी। और इस गुफा की जो महिमा है, भगवान भोलेनाथ यहाँ पर गुफा में विराजमान है। और ये जो आपको ऊपर दिख रहा है अंधेरा सा, यहाँ पे गुफा है गाइस। और इस गुफा की महिमा है कि यहाँ से गुफा के अंदर से स्वर्ग का रास्ता है, और वहाँ पे चार सीढ़ियाँ बनी हुई है, ऊपर गुफा बनी हुई है, वहाँ से स्वर्ग का रास्ता है। और युधिष्ठिर जो है पांडव के बड़े भाई, वो यहीं से स्वर्ग गए थे भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके। और मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है गाइस, लेकिन बहुत बड़ी गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है, और अंदर बहुत अच्छी जगह, और लग रहा है कि वाकई में यहाँ पे पांडव रहे होंगे। और हर जगह भोलेनाथ है हर जगह, और माता वैष्णो देवी का स्वरूप भी यहाँ पर है गुफा के अंदर। बाजार में आ चुके हैं, बस यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ से जाएंगे हम लोग सीधा कटरा। वहाँ से बस है हमारी 11 बजे, बस निकल रहे हैं यहाँ से, कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं और भैया को फोन कर लेते हैं टैक्सी वालों को, फिर यहाँ से निकल। क्या खाओगे तुम लोग? ये सब अपनी फेवरेट चीज़ खा रहे हैं मैगी। और हम लोग क्या खा रहे हैं? हम भी बच्चों के साथ मैगी खा रहे हैं। और तुम क्या खा रही हो? क्या खाएगी? हमारी कार की ओर, ठीक है चलते हैं। अब हम भाग रहे हैं क्योंकि टैक्सी वाले भैया ने बोला है कि हमारी बस छूट जाएगी। और बस यहाँ से कटरा के लिए निकल रहे हैं। देखिए आप कितनी पब्लिक आ रही है, गाड़ियों पे गाड़ियाँ जा रही है। बस थोड़े रास्ते का लफड़ा है, रास्ता क्या है थोड़ा ऐसा लैंडस्लाइड जोन है और थोड़ा घुमावदार एरिया है, तो थोड़ा टाइम लगता है जाने में। हेलो गाइस, फाइनली हम कटरा पहुंच चुके हैं और यहां से हम लोग हो चुके हैं हमारी बस में सवार। ये बाबू को नीचे सुला लो ना, अपनी पूरी टीम भी साथ में ही है। सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हें भी दिखाऊंगा यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कर लेना। उधर से आ रहे थे तो बिल्कुल ऐसे सांप सीढ़ी से घुमावदार रास्ते थे, तो उससे चक्कर आ गया, उल्टी दस उल्टी हो गई। अरे वो बैग किसने लिया काला वाला? ये हमारे सारे मेहमान बैठ चुके हैं, देखिए आप लोग।